सो गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लो यार्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड लो यार्ड स्टील में आपने प्रीवियस सेशन में देखा होगा गज़ब की तेजी बनी स्टॉक ने ऊपर में लगभग आपको 10 परसेंट तक के रिटर्न निकाल कर दिए हैं ऊपर में जो स्टॉक ने हाई लगाया आप देखोगे उन्नीस रुपये दस पैसे का हाई लगाया ओपन हुआ प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी वो आपने देखा उसके बाद हाई उसके बाद जो लो लगाया था सोलह रुपये पिचासी पैसे का यानी स्टॉक के अंदर हमें अप एंड डाउन करते हुए नजर आया उसके बाद स्टॉक में एक गजब की तेजी बनी और ऊपर में स्टॉक ने लगभग आपको 10 परसेंट तक के रिटर्न निकाल कर दिए जब स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी ना तब हमारी वीडियो पर कमेंट आए थे कि आप तो बोल रहे थे कि स्टॉक नॉन स्टॉप उन्नीस जाएगा 20 जाएगा लेकिन ये स्टॉक तो आज ही टूटने लगा उसके बाद आप देखोगे अभी मार्केट में रिकवरी आई मार्केट में रिकवरी के साथ साथ स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लेवल्स को लेकर क्या स्टॉक हमें जो कल के दिन फिर से भागते हुए नजर आएगा या ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आपको डिटेल में बताएंगे यहाँ

ट्रेडिट वॉन्टिटी आप देखोगे चार करोड़ चवालीस लाख के आसपास डिलीवरेबल एक करोड़ तेरह लाख के आसपास डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा कम उठी है लेकिन एक जो सेल ऑर्डर बाइंग ऑर्डर लगा हुआ ये अच्छी बात है तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर हमें सुबह जो ओपनिंग लेगा स्टॉक एक तेज़ी के साथ ओपनिंग नजर आ सकता है क्या पता 19 उन्नीस पर ओपन हो या फिर जो है ना उन्नीस पे दस पैसे पर ओपन हो तो चलिए देखते हैं इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं क्या स्टॉक अब यहाँ से एक रेगुलर तेज़ी दिखाने वाला या फिर स्टॉक के अंदर कल ग्राउट होने वाले चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या संकेत आ रहे हैं क्या नहीं तो यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस सेशन में हमें होते हुए नजर आए एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक आपको नॉन स्टॉप भागते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में आप देखोगे स्टॉक नॉन स्टॉप आपको एक बिग ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में क्या हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री देने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं क्या हो सकता है कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग जी हाँ कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है उन्नीस के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग है और कल का जो आपको रेजिडेंस देखने को मिलेगा लगभग आप देखोगे उन्नीस पैसे का हमारा रेजिडेंस रहेगा कल के दिन का जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे में सपोर्ट की बात करें तो सत्रह रुपए साठ पैसे का सपोर्ट है अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो आपको सत्तर रुपये साठ पैसे का नीचे में एसन लेना है उसके बाद ही आपको स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए और पहली पाँच मिनट तक आपको जो ना कैंडल वॉच करनी है कैसी बन रही है कैसी नहीं एक अगर ग्रीन कैंडल बने फुल बॉडी वाली एक अच्छी कैंडल बनते नज़र आए जैसा कि आपको ये कैंडल्स देखने को मिल रही है यहाँ पर दो कैंडल्स बनी हुई है तो ऐसी अगर कैंडल बने तो आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए अदरवाइज एक गिरावट की कैंडल बने तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और उस लेवल से आप देखोगे स्टॉक आपको पाँच सात परसेंट या फिर जो ना दस परसेंट तक नीचे में आते हुए नजर आ सकता है इस लेवल तक ठीक है तो इस लेवल तक स्टॉक आते हुए नजर आ सकता है सोलह उन्नीस रुपए पैंसठ पैसे का इसके ऊपर में रेस्टिटेंस है स्टॉक आपको नॉन स्टॉप रिटर्न निकाल कर दे रहा जो कि काफी अच्छी बात आप देखोगे एक गिरावट आई थी इस लेवल पर स्टॉक के अंदर बड़ा फॉल क्योंकि मार्केट में क्रैश आया जिसकी वजह से और अब आप देखोगे स्टॉक आपको जो है अभी थोड़ी बहुत करेक्शन आती है उसके

यहाँ से 35 प्लस के लेवल स्टॉक के बन रहे हैं आने वाले एक से दो साल में ये शेयर आपको 35 प्लस में रिटर्न निकाल कर देगा जी हाँ आपको पेस बनाकर स्टॉक के अंदर बैठे रहना चाहिए और जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में जिन्होंने एक दिन पहले स्टॉक को परचेज़ किया है सोलह साढ़े सोलह रुपये के आसपास से वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी रेंज में स्टॉक आपको जो अभी देखने को मिल रहे हैं तो वो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके भी चल सकता है ठीक है तो आपको सारी पॉसिबिलिटी स्टॉक में मैंने बता दी है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे स्टॉक को लेकर अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो